साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन देखने वाले हैं ऐसी बीमारियां जिनमें शरीर का तापमान कम हो जाता है, यानी बॉडी टेम्परेचर सब नॉर्मल हो जाता है। अब सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो पहले इस टर्म को अपन समझ लेते हैं। सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है जानवर के शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाना, क्या कहलाता है सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब इसे अपन हाइपोथर्मिया की कंडीशन भी बोल सकते हैं, जिसमें जानवर के शरीर में हीट जनरेशन की जो पावर होती है वो कम हो जाती है, जानवर के शरीर हीट कम हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इस स्थिति को अपन हाइपोथर्मिया की स्थिति भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी बीमारियों में हाइपोथर्मिया की कंडीशन अपने को देखने को मिलती है या बॉडी टेम्परेचर डाउन देखने को मिलता है। उससे पहले अपने चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि भविष्य में आने वाले सभी प्रकार के वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में दोस्तों उन बीमारियों के बारे में अपन बात करने वाले हैं जिनमें जानवर के शरीर का बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी हाइपोथर्मिया की कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करें दोस्तों इसमें मिल्क फीवर। मिल्क फीवर एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जिसमें काविंग के जस्ट बाद में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर गिर जाता है और उसका बॉडी टेम्परेचर जब अपन पहुंचते हैं उसके पास तो उस टाइम उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत डाउन आता है, 96-97 या कई बार और भी कम देखने को अपने को मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, बॉडी का कैल्शियम डाउन हो रहा है जिसकी वजह से मसल कॉन्स्ट्रक्शन कम हो रहा है, जिसकी वजह से हीट जनरेशन कम हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है। अब अपन ने यहाँ पे एक पॉइंट अपने को ध्यान देना होगा कि अपन इसको बोल रहे हैं मिल्क फीवर, बीमारी का नाम अपन ने क्या बोला है मिल्क फीवर, और बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों है, क्या रीजन है इसका। तो इसका रीजन ये होता है दोस्तों, जो मिल्क फीवर होता है इसमें प्रारंभिक अवस्था में जानवर के शरीर में बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, यानी फीवर की कंडीशन अपने को देखने को मिलती है, और उसके बाद में क्या होता है बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे अपने को सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलता है। जब अपन जानवर को चेक करने के लिए पहुँचते हैं या मिल्क फीवर प्रोग्रेस करता है, मिल्क फीवर आगे बढ़ता है, जब जानवर गिरने की कंडीशन में आ जाता है तब ओनर अपने को कॉल करके बुलाता है और जब अपन उसको चेक करते हैं तो वो बॉडी टेम्परेचर डाउन वहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों मिल्क फीवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अपने को बॉडी टेम्परेचर डाउन देखने को मिलता है, सभी लोगों ने इस टाइप का केस देखा भी होगा। नंबर दो बात करें दोस्तों तो इसमें लेते हैं अपन पॉइजनिंग की कंडीशन। पॉइजनिंग का कोई सा भी केस हो उसमें बॉडी टेम्परेचर अपने को डाउन देखने को मिलता है। नंबर तीन पे देखें दोस्तों तो डायरिया, डायरिया की कंडीशन में भी बॉडी टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, बॉडी से फ्लूड लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर डाउन देखने को मिलेगा, बॉडी टेम्परेचर सब नॉर्मल अपने को देखने को मिलेगा। नंबर चार की बात करें दोस्तों तो एसिडोसिस, एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है जिसकी वजह से बीएमआर बढ़ती है और बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। शुरुआती अवस्था में एसिडोसिस की शुरुआती अवस्था में फीवर की स्थिति होती है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है एवं आगे जब ये प्रोग्रेस करता है एडवांस स्टेज में जाता है एसिडोसिस तब अपने को बॉडी टेम्परेचर डाउन देखने को मिलेगा। नंबर चार देखें दोस्तों अपन इसमें तो कीटोसिस, कीटोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होता है और कीटोसिस यानी कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होता है, ब्लड में कीटोन बॉडी बनती है और वो यूरिन में पास होने लगती है। तो कीटोसिस भी एक ऐसी अवस्था है दोस्तों जिसमें भी बॉडी टेम्परेचर अपने को डाउन देखने को मिलता है, यानी बॉडी टेम्परेचर सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों बात करें अपन डाउनर काउ सिंड्रोम की, तो डाउनर काउ सिंड्रोम में भी क्या होता है हल्का सा बॉडी टेम्परेचर अपने को डाउन देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करें दोस्तों तो पीपीएच की, पीपीएच पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया होता है जिसमें फास्फोरस की कमी की वजह से जानवर के यूरिन में हीमोग्लोबिन आने लगता है या ब्लड आने लगता है जिसकी वजह से वहां पे हल्का सा बॉडी टेम्परेचर अपने को डाउन देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो ब्लड प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, सभी प्रकार के जो ब्लड प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होते हैं जैसे बेबेसियोसिस है, ट्रिपेनोसोमियोसिस है या थेलेरियोसिस है, किसी भी प्रकार का ब्लड प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो उसमें प्रारंभिक अवस्था में बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत तेज़ बुखार वहाँ पे होता है और एडवांस स्टेज में वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर अपने को डाउन देखने को मिलेगा। बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन था कि ट्रिपेनोसोमियोसिस में बॉडी टेम्परेचर डाउन हो सकता है क्या, या ब्लड प्रोटोजोअल केसेज में बॉडी टेम्परेचर डाउन देखने को मिल सकता है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे एडवांस स्टेज में बॉडी टेम्परेचर डाउन देखने को मिलता है। उसका रीज़न होता है दोस्तों एनीमिया, ब्लड प्रोटोजोआ की वजह से ब्लड का लॉस होता है बॉडी में, चाहे वो स्प्लीन के थ्रू हो या यूरिन के थ्रू ब्लड बाहर आ जाता हो, उसकी वजह से जानवर का बॉडी टेम्परेचर डाउन वहां पे हो जाता है। अलावा बात करें दोस्तों तो एनवायरमेंटल हाइपोथर्मिया भी अपने को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है फील्ड में, जब मौसम में अचानक बदलाव होता है या ठंड अचानक बढ़ जाती है या जानवर रात को बाहर खुले में रह गया हो और वो
लो टेम्परेचर के एक्सपोजर में आ गया हो या ठंड उसको लग जाए, सामान्य भाषा में अपन बोले कि वो ठंड की चपेट में आ जाए, सर्दी की चपेट में आ जाए, तो उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिसे अपन एनवायरमेंटल हाइपोथर्मिया बोलते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, जानवर का बॉडी टेम्परेचर अपन जब रिकॉर्ड करते हैं तो सब नॉर्मल मिलेगा अपने को, ठीक है, नॉर्मल से कम मिलेगा। उसके अलावा उसका चारा पानी, रूमिनेशन सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में केवल अपने को उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करने की मेडिसिन देनी होती है और किसी प्रकार की कोई समस्या वहाँ पर नहीं होती है। आज के इस वीडियो में अपन ने देखा कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती है जिनमें बॉडी टेम्परेचर डाउन देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन था, जो आज के इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो साथियों, अपने इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।